हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अर्षव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहां पे ये 4 21 इंच बेस, साथ ही साथ यहां पे 4 टॉप। लेकिन यहां पे कुछ नेक्स्ट लेवल का सिस्टम होने वाला है, कुछ प्रीमियम सेगमेंट वाला होने वाला है, या फिर कह लीजिए कुछ हटके लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि यहां पे जो कि एम्पलीफायर है वो भी आप देख लीजिए, यहां पे ज़ाइफर हमने लगा रखा है, मिक्सर भी कुछ अलग है, क्रॉसओवर्स भी कुछ अलग है। मतलब ओवरऑल कहूँगा ये प्रीमियम के साथ में कुछ हटके साइड में देने वाला हूँ। और बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे डिटेलिंग्स की, हर एक चीज़ आपको जानकारी में दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेटअप में हम क्या क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये बेसें, जो कि बेसें हैं दोस्तों, ये हैं यहाँ पे 21 इंच की। हर एक बेस के अंदर जो कि स्पीकर डाला हुआ वो डाला हुआ है यहाँ पे PD 21-60, और यह है ATI Pro का स्पीकर 2500 वाट की, इसकी पावर जो है वो हो जाती है। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस का डिज़ाइन, और यहाँ पे परफॉर्मेंस मैं आपको खैर टेस्टिंग पे जो दिखा दूंगा। ग्रिल जो है दोस्तों, यहाँ पे ग्रिल जो है अगेन यहाँ पे इस टाइप की रहे या फिर कुछ और चेंज हो वो डिफरेंट करता है अलग अलग माल की क्वान्टिटी पर, यानी मतलब सीजनल वाइज जो चेंज होता रहता है। लाइक ये डिज़ाइन आया तो हमने ये रख लिया, कोई और डिज़ाइन आया तो कोई और डिज़ाइन पाएगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल साइज़ की बात करूँ यहाँ पे और फिनिशिंग की बात करूँ तो यही आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो कि बेस है उसके अंदर ऑप्शन भी दे रखा है, लाइक बेस टॉप के अंदर ये ऑप्शन दे रखा है कि आप इस पर कवर लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बेस की बात करूँ तो ये 16 गेज का जो है यहाँ पे ग्रिल आपको देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 गेज का ग्रिल है। साथ ही साथ इसके अंदर जो कि प्लाई है, प्लाई को बाहर से आपको ऐसा लग रहा है कि ये 18 mm है, एक्चुअल में ये 18 बाहर से आपको देखने मिल रहा है, लेकिन अंदर से यहाँ पे 16+16 करके यहाँ पे प्लाई को, यानी 32 mm का प्लाई, यानी दो प्लाई को ज्वाइंट करके उसके बाद यहाँ पे बनाया गया है। अगेन यहाँ पे जो कि स्पीकर का वैफल है या फिर पीछे पूरी सपोर्ट है वो इस तरीके से जो है वो रखी गई, क्योंकि यहाँ पे 21 इंच आप सभी को मालूम है वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्पीकर का, हैवी कैबिनेट चाहिए तो ही यहाँ पे जो कि परफॉर्मेंस है वो आपको आगे निकल के पाएगा। और ओवरऑल मैं बात करूँ डिज़ाइन की है तो ऐसे कुछ फ्रंट ऐसे कर्व रहता है थोड़ा सा, लाइक अभी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फोटो जो है वो शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2 स्पीकर्स डाले हैं, हर एक बेस का जो कि ओम है, यानी ये 4-4 ओम्स के हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि कनेक्शंस वायर्स हैं वो हमने यहाँ पे 2-2 स्पीकर्स दे रखी है, एक स्पीकर का अलग स्पीकर, एक स्पीकर को यहाँ पे अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बाकी इन पर जो है वो कवर डाला हुआ है हमने फिलहाल में, यहाँ पे ये कवर डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कवर डाला हुआ है। ये जंबो हैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, अगेन इसके पीछे भी जो है वो गैस्केट का पूरा काम करा गया है। और ये तो हो जाती हैं बेस, यहाँ पे टोटल आपको 1 2 3 4 बेसें मिल जाती हैं। पावर की बात करूँ तो 20,000 वाट के यहाँ पे बेसें हो जाती हैं। टॉप की बात करूँ तो टॉप के अंदर अगेन मैं जिस कंपनी का नाम लेने वाला हूँ वो बहुत बेहतरीन है, बहुत जानी मानी कंपनी है, वो है प्रीसेंस डिवाइस, PD के स्पीकर्स, ओरिजिनल PD के स्पीकर्स। और टॉप दोस्तों यहाँ पे जो कि है वो 15 टॉप है PD के अंदर, इसके अंदर जो कि 450 वाट का मैंने एक स्पीकर करा है, आपको आप देख सकते हैं वीडियो ऊपर यहाँ पर आई बटन पर आ रहा होगा, तो वो वाले स्पीकर्स हमने डाला है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर जो कि डायनामाइट का HF आता है 110 वाट का, वो हमने यहाँ पे जो है वो HF रखा है। ओवरऑल आप इसकी हाइट, इसका लुक जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इस पर भी मैं आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता हूँ टॉप के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई अलग अलग पार्टी, अलग अलग रिक्वायरमेंट, हर जगह के यानी अलग अलग पार्टियों का अलग रिक्वायरमेंट रहता है, अलग अलग डिज़ाइन रहता है, तो वहाँ पे आप जो सिलेक्टिव कुछ डिज़ाइन जो है वो ले सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा या आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सअप पे दिखा दूंगा। तो इनमें 450 प्लस 450, और यहाँ पे जो कि है वो HF 110 वाट का जो है वो यहाँ पे आपको HF मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये 4 टॉप हो जाते हैं, ये 4 बेसें हो जाती हैं। खैर ये तो सेक्शन हो जाता है, पीछे से मैं आपको एक बार कनेक्शन वनेक्शन भी दिखा देता हूँ, आइए। खैर ये हमारे डेमो के वायर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, ये जो कि टॉप है ये कुछ इस प्रकार से है, ये जो कि है ये हमारी 4 कोर आई है, एक इसके अंदर लगी, इसके अंदर इसको हमने इससे पैच कर दिया है। वो जो कि टॉप है वो दोस्तों यहाँ पे 2 ओम्स पे चल रहा है, क्यों चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेस जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप देख लीजिए, बेस में हमने ये 2-2 स्पीकर जो है वो लगा रखे हैं, अगेन जैसे कि मैंने बताया कि एक एक स्पीकर पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये अलग अलग दे रखा है, ठीक है ना, सभी में ऐसे ही है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 स्पीकर्स, यानी 2 बेस के अंदर आपको 4 स्पीकर्स डालनी पड़ेगी, इसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। कनेक्शन यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिलहाल मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्पलीफायर वाले सेक्शन के अंदर, तो चलिए अभी मैं आपको एम्पलीफायर वाले में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ एम्पलीफायर की, मिक्सर की, क्रॉसओवर की, तो यहाँ पे जो कि है जाना माना ब्रांड आप सभी को मालूम है, कोशिश यही रहती है हर एक कस्टमर से कि मैं उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे पाऊँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो कि एम्पलीफायर वो है यहाँ पे ज़ाइफर का Z8 प्लस यहाँ पे CS6। अब इस Z8 की कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 21 इंच के अलावा पूरे मार्केट में मैंने देखा कि भाई इससे बेहतरीन एम्पलीफायर नहीं है। अगेन आप लोगों ने जब अच्छा रिस्पांस दिया मुझे यहाँ पे, तो
अगेन जो कस्टमर्स हैं एक दूसरे से मिलते हैं तब वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो कहता है कि भाई हमको ZAT ही चलिए चाहिए, क्यों, क्योंकि वो चला के देख चुका है या फिर सामने से देख चुका है हाँ भाई वो एम्पलीफायर कैसा चल रहा है। अगेन यहाँ पे इसलिए मैंने ZAT रखा है, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं कि हम 21 इंच के अंदर दे इतने पावरफुल के अंदर। बाकी यहाँ पे CS6 है, दो ZAT हो जाते हैं, एक CS6 है। CS6 में दोस्तों ये दो ओम्स पे चल रहा है। अगेन यहाँ पे कूलैम जो है वो ज़ाइफर की 2 ओम्स पे स्टेबल रहता है, उससे भी नीचे जाता है तो भी स्टेबल रहता है। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी इसको मिलते रहे, चाहे आप इस पर कैसा भी लोड डालें, वोल्टेज खराब है, एम्पियर खराब है, पीछे से लाइट कुछ खराब हो रखा है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट हो, तो ये एम्पलीफायर बेधड़क चलते रहते हैं। अगर यहाँ पे ज़ाइफर के तीनों एम्पलीफायर हो जाते हैं, फ्लैट केस के साथ में रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। और एक चैनल पे जैसे कि मैंने बताया एक बेस है, एक चैनल पे दूसरी बेस है, कनेक्शंस लेकिन यहाँ पे अलग हैं दोस्तों, पीछे से मैं दिखा दूंगा। क्रॉसओवर की बात करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट में रखना चाहूँगा, जो कि हमारे इस सेटअप के कस्टमर हैं, उन्होंने यहाँ पे बेहरेंगर सेलेक्ट करा था, लेकिन मैंने शुरुआत में बोल दिया भाई कि यहाँ पे क्रॉसओवर बेहरेंगर का जो अब वाले मॉडल हैं वो थोड़े से वीक हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उसके अंदर थोड़ा सा पावर सप्लाई का जो है वो चेंज करा गया है, तो वहाँ पे बेहरेंगर का क्रॉसओवर रखा हुआ है, उसको हटा गया। फिर हमने यहाँ पे टर्बो दे दिया, ये टर्बो ऑडियो का यहाँ पे, और काफ़ी टेस्टिंग के बाद ये फाइनलाइज हुआ है कि हाँ भाई ये क्रॉसओवर है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसके साथ में DSP 260 लेके चलिए। 260 में एक फ़ायदा यह है कि मैं यहाँ पे आपको एक फाइल बना के दूंगा, आप सिंपल आप जैसे 260 लेते तो उसके अंदर पूरी सेटिंग पूरी एक फाइल बना के दूंगा, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रीसेट्स होंगे, एक नॉर्मल का कंपटीशन का अलग अलग प्रीसेट्स होंगे, तो आप अपने हिसाब से जो वो चला सकते हैं। लाइक कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन का जो प्रीसेट सेट करा वहाँ पे वो सिस्टम हो गया, फिर वो 0 dB मेंटेन रहेगा चाहे कितने भी मिक्सर से खोलते रहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों मिक्सर की, मिक्सर में दोस्तों ये डायनामाइट का दे रहा हूँ। अगेन इसका देने का मतलब ये है, ये डायनामाइट का है दोस्तों, ये है DJ M4, ठीक है ना, DJ M4 है, ये आपको 4 चैनल का मिल जाता है, 4 इनपुट्स है, मीडिया है, ब्लूटूथ सब कुछ आपको अंदर मिलता है, बहुत डिमांडेबल पीस है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिक्सर हो जाता है। मिक्सर के अलावा यहाँ पे जो कि वायर्स हैं वो सारी के सारी यहाँ पे वायर्स हो जाती हैं, ये सारी XLR वायर्स लगी हैं। पीछे चलिए मैं आपको एक बार एम्पलीफायर के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है दोस्तों एम्पलीफायर, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से जो कनेक्शन करा है क्रॉसओवर से यहाँ पे एम्पलीफायर। और जैसे कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे हमने बेस में एक चैनल पे 2 स्पीकर्स आप देख रहे हैं, ये एक चैनल है, ये 4 चैनल का एम्पलीफायर नहीं है, ये ध्यान रखना है ये एक चैनल का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक स्पीकर या फिर ओरिजिनल नेटवर्क से आप लेते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 30 एम्पियर होती है, अगर उससे ओवर गया तो स्पीकर जल जाएगा। दैट्स द वाई रीज़न कि यहाँ पे कंपनी ने 4 स्पीकर्स दे रखे हैं ताकि रेसिस्टेंस बना रहे, बढ़िया क्वालिटी रहे, यानी आउटपुट में कोई भी यहाँ पे आपको कमी ना मिले। और अगेन क्लास डी एम्पलीफायर है, ठंडा चलना है, कोई मतलब देखना भी नहीं इसके साइड, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे कंट्रोल करो अपने मिक्सर लैपटॉप पे, इसके छोड़ दो, इसके फिगर ही छोड़ दो, मतलब ऐसा एम्पलीफायर है। अगेन यहाँ पे ये सेटअप हो जाता है। खैर मैं आपको अभी टेस्टिंग दिखाता हूँ, इसके साथ में एक ऑप्शन और देता हूँ, वो है यहाँ पे स्टेबलाइजर का, जरूरत लगती है आप ले लीजिए कि हाँ लाइट आपको लगता है कि मेरी अनस्टेबल रहती है तो ले लीजिए, बाकी यहाँ पे ज़ाइफर का एम्पलीफायर है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जो यूज़ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों चलते हैं अभी टेस्टिंग में आपको दिखाता हूँ।
कैसे लेके टेस्ट रूम, कैसा लग रहा था उसका परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना, मज़ा आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पे इस सेटअप में, एक बार दोहरा देता हूँ क्या क्या है। चार बेसें हैं जो कि यहाँ पे PD 2160 के साथ में, और यहाँ पे चार टॉप हैं जिसमें हमने PD के स्पीकर्स डाले हैं, प्रीसेंस डिवाइस ओरिजिनल, जो कि आप गूगल पे सर्च करते हैं, काफ़ी अच्छा एक नामा जाना माना जो है वो ब्रांड है। अगेन यहाँ पे जब आप सुनेंगे किसी भी एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में इन स्पीकर का, तो क्वालिटी का एक फ़र्क आता है। दूसरा ये फ़र्क आता है इनके स्पीकर्स में कि इनकी जो कि लाइफ रहती है वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको ओवर भी चला रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जलने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भाई इनका पावर, अगर आप देखेंगे इनके यहाँ पे वेबसाइट पे जाके, तो पावर AS में मेंशन होती है, लेकिन बाकी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पावर लिख दी जाती है, RMS है या फिर वो AS है, वो मालूम ही नहीं चलता। एक्चुअल में ये पावर वाले स्पीकर जो वो आपको शो करते हैं, पावर स्पेशन शो करते हैं। बाकी यहाँ पे PD 2160 के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन यहाँ पे एम्पलीफायर दे चुका हूँ, जैसे कि मैंने बताया क्रॉसओवर के अंदर हम ऑप्शन दे रहे हैं कि क्रॉसओवर लेना है, कौन सा लेना है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर DSP 260 पे जाना है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। मिक्सर डायनामाइट का कह रहा हूँ, बेहतरीन मिक्सर है, फिर भी मैं आपको बोल लेता हूँ ऑप्शन है, कोई भी मिक्सर आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। बाकी दोस्तों प्राइसिंग की बात करूँगा तो प्राइसिंग जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा टॉप के, बेस के, एम्पलीफायर के। और बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।